तेरी झलक देखा शिल्पा। अरे बाउजी है शिल्पा का क्या किया है। हेलो गाइस, हेलो गाइस, मैं गंगा बहादुर थापा द रूट में जो मेन विलन पार्ट किए थे मैंने, और आप लोगों के ढेर सारे हमें सपोर्ट और ढेर सारे प्यार मिला, इसीलिए हम दूसरे एपिसोड भी जल्द बना रहे हैं। थोड़ा वेदर के कारण से हमें थोड़ा तकलीफ हो रहा है, और हमारे ये जल्द ही दूसरा एपिसोड आने वाला है। और हमारे राय ब्लॉग्स को आप लोग प्यार देते रहिए, और ये ब्लॉग्स में हर जो भी वीडियो आता है उसे देखते रहिए, और जो भी नया इस वीडियो को नया देख रहे हैं वो राय ब्लॉग्स को सपोर्ट कीजिए। ये राय ब्लॉग्स हमारे मेरा भांजा ये हरी, यस 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 यू नो, हरी राय का ब्लॉग्स है, और इसको आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। जो बेल का घंटा है उसको भी दबा देगा, मतलब दबा देना, दबा दीजिए। सो या फिलहाल तो हम लोग ऐसे, मतलब अभी शूटिंग हो रहा था, और शूटिंग होते हुए मतलब हम लोगों ने सोचा कि बैठ के आप लोगों को अपडेट दे दे करके, मतलब कहाँ तक हमारा शूटिंग पहुँचा, क्या है। तो अभी मतलब शूटिंग तो हो ही रहा है हम लोग का पार्ट टू का, जो मतलब आप लोग बहुत जल्द देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ हमारा भांजा लाल सिंह चड्डा भी पहन के आया है, देखिए रेड भी है, रेड कलर का लाल सिंह चड्डा, गजब बेइज्जती है। मेरा तो आज शूटिंग करते करते चप्पल ही छूट गया है। अरे यार देखिए बेचारा का ऊपर से सिलाई भी किया। जो भी हो, हमारे उत्तम ने बहुत अच्छी एक्टिंग किया, और जिस तरह से उन्होंने वहाँ जो एक मॉडर्न सीन था उसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। और हमारे उत्तम कटवाल के भी, उत्तम कटवाल अपना एक यूट्यूब चैनल है उत्तम कटवाल नाम से, उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा और आप लोग का प्यार दीजिएगा। और यहाँ उत्तम भाई, और उधर किरण मिस्टर बंदा बा, यहाँ मिस्टर बनता हुआ बेटा, सब लोग हमारे अपने अपने ग्रुप है। और हम लोगों का और नेपाली मूवीज शॉर्ट मूवीज रिलीज, ये विश्वकर्मा पूजा के आगे लाउरे बा का छोरी मलाई मन पर्यो, ये फिल्म आने वाला है। ये हमारे यूट्यूब चैनल, हम लोग का सबका एक ही यूट्यूब चैनल कम्बाइन करके बनाया गया है, ये होगा गोरखा एंटरटेनमेंट, उसमें आप लोग जरूर गोरखा, गोरखा एंटरटेनमेंट। अरे यही कारण है कि जो आदमी इंग्लिश नहीं पढ़ता ना, वो थोड़ा इंग्लिश में ऐसे ही बोलता है, टेटमेंट टेटमेंट। इसलिए हमारा भाई का जो दोस्त, आप लोग कैसे मजे में है, अच्छा है। यहाँ तो दीवार भी फूट गया, चौरा भी उड़ गया, कोई बात नहीं। और हमारे यहाँ बांधता हुआ ऐसा लगता है कि वो तोड़ के जाके वीडियो कर रहा है, वीडियो कर। सो गाइस, आप लोग राय ब्लॉग्स और हमारे पूरे टीम को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए, ज्यादा प्यार दीजिए, और जल्दी ही हम अपने दूसरे एपिसोड द रूट का दूसरे एपिसोड लेके आप लोगों के बीच में आएंगे। थैंक यू। बैठो। तो खास करके ये मैंने फोन यहाँ पर खोल के क्यों रखा, मतलब आप लोगों को बोरिंग करना नहीं चाहता था कि कब आएगा, क्या है, कैसा है, कैसा शूटिंग हो रहा है। और फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ज्यादा मतलब शुक्रगुजार रहे, क्या बोलते हैं उसको, तो थैंक यू फॉर एवरीवन, जो ने मतलब जिसने इतना मतलब प्यार दिखाया ये हमारा फर्स्ट एपिसोड फर्स्ट पार्ट वन के लिए। तो अभी हम लोग मतलब क्या सोच रहे हैं, आप लोगों को थोड़ा एंटरटेन करेंगे करके सोच रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग खास करके अभी बैठे हुए यहाँ पे फिलहाल सभी। तो या अभी हम लोग मतलब नो लाफिंग चैलेंज करने वाले हैं यहाँ पे, और हम लोग सभी एक ही सॉन्ग को गाएंगे, मतलब एक मिनट हरी भाई। और जितने भी दोस्तों ने मेरे पेट के ऊपर कमेंट किया, मैं योगा शुरू कर रहा हूँ और जल्दी ये पेट आप लोगों को स्लिप में देख जाएगा, बहुत ही दोस्तों ने मेरे पेट के ऊपर कमेंट किया है। और मैंने सब में कहूँ तो बॉडी भी है, पहले मुझे गजनी कहा जाता था जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, मेरा बॉडी भी है, लेकिन अचानक मुझे भी मालूम नहीं क्या, इसलिए मैं योगा कर रहा हूँ। आप लोग योगा ये तो हम आयुर्वेदिक यानी योगा से हम अपना पेट घटाएंगे, जिम से नहीं, क्योंकि जिम में थोड़ा शरीर के लिए मैंने
क्या कहते हैं, हानिकारक होता है, तो हम योगा से इस पेट को घटाएंगे और गजने जैसा बनाएंगे फिर से। सो तो अभी चैलेंज शुरू करें। यस सर। गाइस रेडी? रेडी यस। गाउनी भर रहे। रेडी रेडी। हाउ इज द जोश? क्या रे ये गाना रे? हम लोग मेरी झलक देखा। ये सॉन्ग हम लोग गाएंगे। तो शुरू कहाँ से करें? कल भाई यहाँ से मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ से शुरू करेंगे तो यहाँ से शुरू करेंगे तो सभी लोग आउट हो जाएंगे। ऐसा नहीं करते। जो मुंह भी नहीं खोलना है, मुंह सबका बंद नहीं खोलना है। आपका खोल सकते हो। जो जो हम लोग मतलब हम बाकी जो मतलब जो गाएगा उसको छोड़ के बाकी सबका मुंह बंद रहेगा। ठीक है? हमें तो गाना नहीं आता है तो। तेरी झलक देखा। एटलीस्ट दो लाइन तो गाना है। शिल्पा अरे बाउजी है शिल्पा का क्या किया रे? शिल्पा हम तो पूछ मैंने बोला था इसको पहले गाने मत दो करके। अरे यार ये शिल्पा को ला दिया ना। देखिए जो अभी नया मैं आप लोगों को एक जोक्स बोलना चाहता हूँ। एक कॉमेडी जो एक कॉमेडी है जो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। एक खरी मैंने लकड़ी काटने वाला था। वो हर रोज लकड़ी काटता था और रोज लकड़ी को काट के ला के बेच के वो अपने घर को पालता था। एक दिन ऐसा हुआ कि वो लकड़ी काटते 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 अपना कुल्हाड़ी जो होता है ना कुल्हाड़ी लकड़ी काटने वाला वो पानी में गिर गया। पानी में गिरने के बाद में वो साइड में बैठ के रोता रहा। जब एक घंटा दो घंटा तीन घंटा बीता वहाँ से जल देवता निकलता है। आप लोग ये शायद पढ़ा ही है, आप लोगों ने सुना ही है जो बचपन में। तो जल देवता जब निकलता है बोलता है कि ये कुल्हाड़ी है वो भी सोन का कुल्हाड़ी वो भी नहीं है और जो उसका कुल्हाड़ी है चांदी का कुल्हाड़ी वो भी मेरा नहीं है। जब अपना असली कुल्हाड़ी निकलता है वो जो लकड़ी काटने वाला हाँ प्रभु ये मेरा लकड़ी है कुल्हाड़ी है। तो ये कुल्हाड़ी जल देवता इतना प्रसन्न होता है कि उसका जो एक वो आदमी जो इतना माने इनोसेंट होता है जैसे कि माने दूसरा का नहीं खाने वो तो उसमें से वो अपना खुश होके जल देवता सारा कुल्हाड़ी उसको दे के भेज देता है। तो वो लोग जाता है जल देवता जब घर में जाता है अभी सोना का कुल्हाड़ी है चांदी का कुल्हाड़ी उसको बेच के मौज मस्ती करते करते खा पीते सतयुग चला जाता है। तब कलयुग आता है उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता है पैसा वैसा कुछ नहीं होता है। जो कुल्हाड़ी था वो भी बेच के खत्म कर दिया। तब अपना बीबी को लेके जाता है वही तालाब में। तो बीबी को वही तालाब में लेके जाता है। तो तालाब में ले जाने के बाद में वो बीबी को दिखाता है। बीबी को बोलता है कि इसी तालाब से मुझे जल देवता ने मुझे कुल्हाड़ी दिया था। वो बीबी बोलता है किधर। वो बीबी ही उस तालाब में डूब जाता है। तो वो फिर बेचारा बैठ कर रोते रहता है सामने बीबी उसका डूब गया। फिर जल देवता प्रकट होता है। तो उसके बाद में वो जल देवता पूछता है कि क्या हुआ? तो मेरा बीबी ऐसा था मैं बीबी को दिखा रहा था सारा घटना बता देता है। तो मेरा बीबी डूब गया। तो जल देवता डुबकी मारकर ऐश्वर्या राय को निकालता है। ऐश्वर्या राय को निकालता है। तब उसको बोलते मनुष्य ये तेरा बीबी है? मनुष्य बोलते हाँ प्रभु ये मेरा ही बीबी है। तो जल देवता उससे पूछता है कि तुम तो पहले इतना ईमानदार था इतना वो भला था तो मैंने सोना का कुल्हाड़ी दिया वो भी नहीं लिया चांदी का दिया वो भी नहीं लिया जब अपना निकला तब तुम इतना भोला आदमी ईमानदार आदमी अभी ऐसे कैसे हो गया? तो वो बोलता है प्रभु जो आपने दिया सोना का कुल्हाड़ी चांदी का कुल्हाड़ी वो सब बेच के खा दिया। अभी मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। तो अभी ये ऐश्वर्य राय भी नहीं बोलेगा ये जो आपने निकाला है वो भी नहीं बोलेगा और दूसरा निकालेगा वो भी नहीं बोलेगा। लास्ट में आप मेरा बीबी को निकालोगे और सारा तीनों ही मेरे साथ भेज दोगे। मैं इन लोगों को पाल ले नहीं सकूंगा प्रभु यही मेरा। थैंक यू। ताली ताली। तो यार तो मतलब ये तो बस एक शॉर्ट वीडियो था कि आप लोगों को हम लोग अपडेट दे सके कि हम लोग का शूटिंग कहाँ तक पहुँचा, क्या है क्या नहीं है। तो खास करके हम लोगों का मतलब अभी बोले तो
तीन चार पार्ट शूट करना बाकी है, तो आधा से ज्यादा हो चुका है ना। तो या इसलिए मतलब हम लोग बस ये बताना चाहते थे आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू। और इस बार जो विलन का जो गेटअप है, जो एंट्री है, उससे और आप लोग इस बार तो और धमाकेदार, मतलब और भी धमाकेदार वाला विलन एंट्री होने वाला है। तो तैयार रहना, स्टे ट्यून गाइस। तो या वीडियो को यही एंड कर देते हैं ना। और लास्ट बात है कि आप लोग सोचे होंगे, एक आदमी ने बोला कि चश्मा ही, सभी में चश्मा क्यों पहने, क्योंकि विलन का आंख ही नहीं देखते या आज ये वीडियो बस यहीं तक का था। और हम लोगों ने बस छोटा मोटा चैलेंजेस किया जो कि इनकम्प्लीट था, क्योंकि हम लोगों का जितना भी एक्टर्स है, एक मतलब ये लोग नाम से तो एक्टर्स है बट बहुत शर्म करते हैं, ये लोग बहुत शर्म करते हैं जिन पीछे जितना देख रहे हो। हमारा बनता हुआ ब्लॉग्स को तो गाना ही नहीं आता बोला और उधर भी ये हालत है। हमारा उत्तम भाई एकदम मस्त गाना गाया उसने, एकदम काफी अच्छा। शिल्पा को ला दिया उसने, श्रीवल्ली में श्रीवल्ली को हटा के शिल्पा को डाल दिया। सो या कोई बात नहीं, शिल्पा भी। तो आशा करता हूँ कि आप लोग बोरिंग मतलब नहीं हुआ इस वीडियो को देख के, मतलब आप लोग एंजॉय किया होगा काफी ज्यादा, जिसे हम लोगों ने अभी एंजॉय किया। सो या इस वीडियो के लिए बस यहीं तक का था। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। Have a nice day.